हम रिकरेंट आईवी फेलियर के बारे में क्या जानते हैं, फेलियर के केसेस में क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसीलिए इंसान की रिप्रोडक्शन जो रेट है वो भी बहुत कम है। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। क्या आप रिकरेंट आईवी फेलियर या रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर की समस्या से जूझ रहे हैं? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर दीपिका लोनानी, मैं हूँ इंदिरा आईवीएफ जयपुर जवानगर सेंटर से। आज हम बात करेंगे रिकरेंट आईवीएफ फेलियर क्यों हो सकते हैं, उनके क्या क्या कारण होते हैं और उनका किस तरीके से इलाज किया जा सकता है। हम रिकरेंट आईवीएफ फेलियर के बारे में क्या जानते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है। अगर किसी महिला को या कपल को दो या दो से ज़्यादा बार एक अच्छा एम्ब्रियो डाल के भी अपनी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है तो इसको अपन रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर या रिकरेंट आईवीएफ फेलियर कहते हैं। सामान्य जनता का ऐसा मानना है कि आईवीएफ में बहुत ज़्यादा फेलियर रेट है, बट आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में आईवीएफ की फेलियर रेट कम होती जा रही है। जहाँ पहले आईवीएफ की फेलियर रेट 50-70% होती थी, आज वो सक्सेस रेट बन गई है, यानी कि 70-80% केस लगभग सक्सेस हो पाते हैं और 20-30% केस आईवीएफ के फेल हो जाते हैं। फेलियर के केसेस में क्या क्या कारण हो सकते हैं उन पर हमें विचार करना। जैसे कि सबसे पहला या मोस्ट कॉमन कॉज होता है, एम्ब्रियो में कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, या तो एम्ब्रियो हैंडलिंग में दिक्कत है या तो एम्ब्रियो की जेनेटिक्स में दिक्कत है। जेनेटिक्स में दिक्कत कैसे आ सकती है, जब भी कोई महिला और पुरुष का अंडाणु और शुक्राणु मिलता है तो नया भ्रूण बनता है, तो जो उनका डीएनए मिलकर नया भ्रूण बनता है उस भ्रूण में बनते समय कहीं ना कहीं खराबी आने की संभावना हर बार होती है। इसीलिए इंसान की रिप्रोडक्शन जो रेट है वो भी बहुत कम है, क्योंकि ये एम्ब्रियो में डिफेक्ट आना एक नेचुरल चीज़ है। अगर एम्ब्रियो में डिफेक्ट आ रहा है जेनेटिक रूप से और इस कारण प्रेगनेंसी नहीं लग पा रही है तो हम उसके लिए क्या टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला हम मदर फादर यानी कि जिनका हम जेनेटिक मटेरियल यानी गैमेट ले रहे हैं, अंडाणु और शुक्राणु ले रहे हैं, उसकी हम उन कपल की कैरियोटाइपिंग से जाँच कराएँ कि उनमें कोई जेनेटिक रूप से खुद में ऐसा छुपा हुआ डिफेक्ट तो नहीं है जो बच्चे में बढ़कर आ रहा हो। दूसरी चीज़ होती है PGTA या NICS, जिसको बोलते हैं कि भ्रूण की जेनेटिक जांच, यानी कि भ्रूण के बाहर का जो खोल होता है वहाँ से कुछ जो सेल्स होती है उनको लेके प्रोसेस करके उनका जेनेटिक मटेरियल स्टडी किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग या नॉन इन्वेसिव जेनेटिक टेस्टिंग। अब इन केसेस में हम भ्रूण के अंदर कोई एन्यूप्लॉइडी या कोई डिफेक्ट तो नहीं है इसका अंदाज़ा, इसका मालूम हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि यूट्रस से रिलेटेड कोई कारण है, यानी कि आपका एम्ब्रियो बहुत अच्छा था, ए ग्रेड का एम्ब्रियो था, जेनेटिक रूप से नॉर्मल था, उसके बावजूद भी आपकी बच्चेदानी उसको नहीं लगा पा रही है, नहीं आगे बढ़ा पा रही है। कारण हो सकता है थिन एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियम में किसी प्रकार का इन्फेक्शन जिसे हम एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, या फिर आपको कहीं बायोलिट्रल या यूनिलिट्रल दोनों साइड का या एक साइड का हाइड्रोसाल्पिंग्स हो, यानी ट्यूब में इन्फेक्शन हो, इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे यूट्रस से रिलेटेड फैक्टर्स आपका फेलियर का कारण बनते हैं उनका भी ट्रीटमेंट संभव है। जैसे कि थिन एंडोमेट्रियम लाइनिंग के कारण में हम कुछ हिस्टरोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं, जिसको बोलते हैं हिस्टरोस्कोपिक कैविटी एनहेंसमेंट। इसके अलावा हम उसमें PRP इंस्टॉलेशन करते हैं, जिसके कारण हम यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को और रिसेप्टिव या भ्रूण को रिसीव करने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। ये सर्जरीज बहुत ही छोटी सी होती हैं, जो 10-15 मिनट का प्रोसीजर होता है, आप इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अगर हमारी ट्यूब्स में कहीं इन्फेक्शन है, पानी भरा है, तो हम उसको दोनों साइड से क्लिप कर सकते हैं, यानी कि यूट्रस से उसका कनेक्शन हटा सकते हैं, जिसके द्वारा आपकी एंडोमेट्रियम में वो इन्फेक्शन जो ट्यूब्स का पानी के कारण आता है वो नहीं आएगा और आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी लगने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा हम और जो फैक्टर्स की बात करते हैं जो रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर में आते हैं, जैसा कि बॉडी का इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि जैसे हम किसी पेशेंट्स का को किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है, तो किडनी जब हम किसी दूसरे मरीज की दूसरे पेशेंट के अंदर डालते हैं तो वो उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, इम्यून रिजेक्शन। इसके लिए पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी सप्रेस करी जा सके और उसका जब तक कि वो बॉडी उसको एडजस्ट कर ले, उसको किडनी को एक्सेप्ट कर ले, इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यून रिजेक्शन। अब हमारी कुछ दवाइयाँ और कुछ थेरेपीज होती हैं, जैसे कि
LIT या लिम्फोसाइट इम्यूनोथेरेपी, जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर भी, पेशेंट की बॉडी के अंदर हस्बैंड या किसी और इंसान का ब्लड लेकर उसके अंदर से कुछ सेल्स होती हैं जिनको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करके और बॉडी के अंदर डाला जाता है, जो कि स्किन में भी डाला जाता है और इंट्रावीनस यानी कि ब्लड के अंदर भी डाला जाता है। इससे बॉडी जो होती है वो उसको पहचानती है। एक बार दो बार इस तरीके की प्रोसीजर LIT करी जा सकती है, जिससे इम्यून रिजेक्शन को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा इम्यूनो मॉड्यूलेशन की कुछ दवाइयाँ या कुछ एक्स्ट्रा इंजेक्शन होते हैं, जिसके द्वारा आपका इम्यून रिजेक्शन को कम करने की कोशिश करी जा सकती है। तो अगर आप एक या दो बार IVF फेलियर के साथ भी ग्रसित हैं तो आप निराश नहीं हो, ट्रीटमेंट संभव है, इंदिरा IVF के साथ मुमकिन है, तो हमें कॉन्टैक्ट करें। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर वेबसाइट www.indiraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below and get answers from Indira IVF doctors.